हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के 236 श्रमिक यात्रियों को सुमेरपुर से किया रवाना। सभी श्रमिक यात्री निकलेंगे ट्रेन में। कोरोना महामारी पर लॉकडाउन होने के बाद ट्रांजिट कैंप में रुके यात्रियों व श्रमिकों को मंगलवार दोपहर उत्तर प्रदेश के 236 श्रमिक यात्रियों को सुमेरपुर से पाली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। सुमेरपुर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि उक्त श्रमिक यात्रियों में से 184 श्रमिक यात्री ट्रांजिट कैंप में ठहरे हुए थे। ट्रांजिट कैंप के यात्री गुजरात से आए थे तथा 52 श्रमिक यात्री सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के शहरी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे थे, जिन्हें सुमेरपुर से तहसीलदार जवाहर राम चौधरी ने बसों के द्वारा पाली के लिए रवाना किया। उक्त ट्रेन पाली से आज शाम को 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी तथा लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर व मऊ के स्टेशनों पर यात्रियों को छोड़ेगी। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।